जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और इस वक्त हम मौजूद हैं शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उदयमोड़ जो है गंगापुर सिटी वहाँ पर, और 18 से ऊपर और 44 तक के जो हैं लोग उनके वैक्सीनेशन का यहाँ पर इस समय कार्यक्रम चल रहा है। लगातार बहुत सारे दर्शक हमसे पूछ रहे थे, सर ये 18 साल से ऊपर के जो है इनका वैक्सीनेशन कब शुरू होगा। बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा दिया था तो उनकी लिस्ट आ चुकी है और उनकी वैक्सीनेशन का काम यहाँ शुरू हो चुका है। दूसरी बात कि आधार कार्ड से यहाँ हाथ की हाथ जो है तुरंत आप मौके पर रजिस्ट्रेशन करवा करके और फिर आप वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। अब यहाँ एक चीज़ देखने को मिली है कि एक तो काउंटर अलग अलग नहीं बनाए गए, पुरुष के और महिला का काउंटर एक ही है जहाँ आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। कोई सोशल डिस्टेंसिंग की पालना यहाँ पर नहीं हो रही है। लोगों को भी इस बात को समझना पड़ेगा कि एक साथ भीड़ इकट्ठी करना या एक साथ वहाँ जाना, तो प्रशासन को ये सहयोग आपको करना पड़ेगा कि आप वहाँ भीड़ इकट्ठी ना करें और उस हिसाब से आप वहाँ पहुँचें तो एक सोशल डिस्टेंसिंग आप लोग भी मेंटेन कर पाएंगे। यहाँ क्या चल रहा है उसके बारे में मैं ज़रूर जानकारी आपको अंदर से करवा देता हूँ। अब देखिए यहाँ रजिस्ट्रेशन भी चल रहा है और जो रजिस्टर्ड हैं उनका वैक्सीनेशन फिर अंदर की तरफ किया जा रहा है। अब आप देखिए जब जिस चीज़ को रोकने के लिए पूरा प्रशासन कवायद कर रहा है वही चीज़ें यहाँ नज़र नहीं आ रही हैं, वो थोड़ा सा गड़बड़ है। आइए मैं आपकी बात करवा देता हूँ जो यहाँ मेडिकल स्टाफ लगा हुआ है और किस तरह की गतिविधियाँ यहाँ चल रही हैं। किन लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा है सर आज? सर यहाँ पे सभी लोगों का हो रहा है, 18 से 45-44 वालों भी हो रहे हैं और ऊपर वाले भी है। पहले अभी इस समय भीड़ अधिक होने की वजह से 18-44 वालों को पहले प्राथमिक तरह से लगाया जा रहा है। अच्छा, ऑनलाइन जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है उनका है या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी चालू है? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद में स्लॉट बुक होते हैं, स्लॉट बुक होने पर आज की डेट में लगभग 18-44 वालों को 200 लोगों के टीकाकरण यहाँ पर होना है। इसमें अब तक लगभग 100 लोगों का टीकाकरण हो चुका है, हो चुका है 18 से 44 के, है ना, जिनका रजिस्ट्रेशन पहले से पहले हो चुका है, हो चुका है स्लॉट बुक हो चुका है। इसमें क्या है, डेली के स्लॉट बुक होते हैं, इसमें पर डे एक संस्था पर 200 लोगों का टीकाकरण किया जाना। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और सामने निकल करके आई है, जैसे अब ये लोग हैं 18 से 44 वाले हैं जिनके रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, इनको स्लॉट के हिसाब से आज वैक्सीनेशन लगेगा, लेकिन अब इनकी सोशल डिस्टेंसिंग को किस तरह मेंटेन किया जा सकता है? भाई लोग जिस तरह भीड़ कर रहे हैं ये लोगों को भी समझना पड़ेगा कि भाई एक साथ आप समझा पाए। हम इनको बार बार कह रहे हैं, बार बार दूर खड़ा कर रहे हैं, हमारे पास स्टाफ की इतनी सुविधा है, जब भी जितना हो सकता है हमसे दूर रहने के इनको बार बार हिदायत दी जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर के वैक्सीनेशन चालू हो गया 18 से 44 तक का। सोशल डिस्टेंसिंग से ही अंदर बुला रहे हैं, एक जने के वैक्सीनेशन होने के बाद ही दूसरा कैंडिडेट अंदर आता है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के लोगों को भी थोड़ा सा सहयोग करना पड़ेगा और तो ये शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो उदय मोड़ है वहाँ पर वैक्सीनेशन चल रहा है 18 से और 44 तक का। जिन लोगों ने पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा दिए उनके स्लॉट के आधार पर उनको बुलाया गया है और उसी तरह चल रहा है। लेकिन हमारी भी रिक्वेस्ट सबसे यही है कि आप खुद अपने आप में थोड़े से जागरूक रहें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। दूसरी बात, भीड़ के रूप में आप ना आएँ, एक साथ 150 से 200 लोग जो हैं स्लॉट पर डे का उसी हिसाब से लोगों को बुलाया जा रहा है, तो वो चीज़ जो मेंटेन करना है वो हमारी भी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम उस चीज़ को मेंटेन करें।